Hello, Dunites. How you all are? I know, very relaxed after the final exam. Of course, you ought to be after the offline exams. Today is 18th of March and the most famous and favorite festival of kids. Holi. Holi hai? Bura na mano, holi hai. Many students in the school kept asking me, होली से पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना मैम, प्लीज़ बताओ ना. आई वॉज एबल टू गेस देयर एंग्जाइटी एंड द फैक्टर दैट कॉक्स देम आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन. येस, दे रियली इंजॉय. आई ऑल्सो वॉज अ किड वंस. फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई गेस्ड दैट दे आर रियली क्यूरियस एंड वेटिंग टू रिलैक्स देयर बॉडी. Dear students, enjoy the festival, but with caution. Still, corona fear is hanging on our head. Haathi nikal gaya, poonch baki hai. Try not to be part of big gatherings. Now, Kiran Chandi ma'am, our dance teacher, will highlight the history of the festival Holi, and Shubham sir will tell you the relevance of colors on this day. How the traditional colors were prepared and how they are different from the present day colors. Listen to both of them attentively. Let's begin the assembly with a beautiful prayer by Somi Sharma ma'am. Get ready. Haridas samay Bhagwan ji, hum hain khade dwar. हाथ दे कर रखना विनती बारंबार. मन की माला चलती जाए श्वास श्वास पर नाथ. विषय विकारों से प्रभु रखना दे कर हाथ. ऐसे पुरुष मिलते रहे सिमरन हो तेरा नाम. मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम. सकल जगत के प्रभु जी दीजो हमें वरदान. शांति और संतोष दो बख्शो ब्रह्म ज्ञान. साधु संगत होती रहे काया शुद्ध हो जाए. भूले ना वाणी तेरी सिमरति ऐसी आए. थाली लेकर हाथ जी बीच में वंदना दू. प्रसाद तेरा गुण गान है संगत तुमरा रूप. वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए. सच्चे नाम विमान पर चढ़ ब्रह्म में समाए. पढ़े सुने जो महारामायण देकर पूरा ध्यान. उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान. कहे संगत भगवान जी दीजो ज्ञान प्रकाश. जीवन मुक्ति के लिए हम करते हैं अरदास. जीवन मुक्ति के लिए हम करते हैं अरदास. करते हैं अरदास. सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं किरण चांदी आपकी नित्य अध्यापिका आज आपको होली के त्यौहार के विषय में कुछ बातों से रूबरू करवाना चाहती हूँ. रंगों के त्यौहार के तौर पर मशहूर होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है. भारत के अन्य त्यौहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा है. हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था. वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था. इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की. आखिरकार उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा
और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का भक्त था। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। आपको होली के त्यौहार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे कि रंग होली का भाग कैसे बने। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियाँ ख़त्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव भी कहते हैं। पहले होली के रंग टेसू या प्लासा के फूल से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते ही कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है। हमें इस पुराने त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। धन्यवाद। आफ्टर द एग्जाम्स नाउ यू वॉन्ट टू रिलैक्स। आई नो इट इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, बट focus on the strength and weaknesses which you are able to make out in the past few days. Now make it a point to give at least 1 hour daily to improve upon your speed and quality of writing. Word power means spelling power. Extra information regarding current topics and enhance your knowledge on the various things you see around. Now you are maybe having hobby of gardening, painting, drawing, stitching, etc. Try to work upon it. Make a thing from your own hand and see the happiness you will get from it. If you want to help your parents, some students are having this hobby also, to help their mama and papa in their work. So then see how much happy you become. By helping others, you gain happiness. This you may be getting it. Okay, now coming to the next thing. Your new session is about to start. I want you all to be fresh up for that. Now fresh up, I mean that. Make a new mindset. You will come to school to learn something new. So till then, bye-bye.